तो पिछले बार मेरे माइनक्राफ्ट के वर्ड्स डिलीट हो चुके थे और उसके बाद मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। उससे बाहर निकलने में मुझे तकरीबन 1 महीना लग चुका है। कुछ भी तो दोस्तों, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना माइनक्राफ्ट की सीरीज फिर से एक बार शुरू की जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भत्ता सा आपको दिख रहा है वो मेरा ही घर है। और हाँ, मेरे को इस घर की थोड़ी शर्म आ रही है, इसलिए मेरे को एक बढ़िया सा प्रो वाला घर बनाने का है। वो बनाने के लिए मैंने, आप देख ही सकते, आपके आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे देखो कितनी सारी जगह मैंने क्लियर करके रखी। और यहाँ पे हम बनाने वाले हमारा अंबानी का घर, जो होगा माइनक्राफ्ट का अंबानी का घर। सब लोग अभी अंबानी का घर ही बनाते माइनक्राफ्ट के, इसीलिए हम भी माइनक्राफ्ट में अंबानी का घर बनाने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले घर बनाने से पहले अगर आप बेड पे लेटे हो या फिर आप कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, या फिर आप बेड को कस के पकड़ लेने का, आपको तगड़ा वाला झटका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपने अभी तक माइनक्राफ्ट में ऐसी जगह देखी नहीं होगी कि उस जगह पर मैं स्पॉन हो चुका हूँ। दोस्तों, आपको आपके विश्वास नहीं होगा, आपके आंखों पे इतनी बढ़िया सी जगह मेरे को मिली। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने यहाँ पे सीढ़ी लगा के रखी, क्योंकि ये जो मेरे गाँव के विलेजर्स है ना, वो बहुत ही गरीब है और उनके यार इसे ब्लॉक्स चढ़ने में थोड़े घुटनों का दर्द होता है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। हाँ तो दोस्तों, ये ऐसी जगह किसी को भी नहीं मिलेगी, ये माइनक्राफ्ट की बाप जगह है। यहाँ पे मैं इतने खतरनाक तरीके से स्पॉन हो गया, अगर मैं बाई चांस मर भी जाता हूँ तो स्पॉन इसी विलेज में होने वाला हो, तो टेंशन नहीं। और हाँ, इस विलेज की सिर्फ यही खास बात नहीं है, इस विलेज की यही सिर्फ खास बात नहीं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाने में मेरे को खुशी होगी। चलते आगे, आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले क्या क्या है इस वर्ल्ड में। एक तो पहली बार की ये माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बहुत ही अच्छा है। अरे यार, ये विलेजर्स यहाँ पे क्या करते रहते दिन भर मालूम नहीं यार। तो दोस्तों, मैंने दिन रात एक करी और बहुत से दगड़, मतलब स्टोन्स इकट्ठा करे तो कि मैं मेरा घर बना पाऊँ। और आपको मैं दिखाने में मुझे मजा आएगा कि इस वर्ल्ड के विलेज के पास ही एक प्यारा सा स्पॉनर है, जिससे कि हम एक्सपी फार्म भी बनाएंगे। बहुत ही जल्दी आपको वीडियो मिल सकती है। और इस डिब्बा मैंने अभी तक खोला नहीं था, और ये किसकी बुक है आई डोंट नो, मैंने अभी तक खोला नहीं था। मैं वीडियो में खोलने वाला था, बेन ऑफ आर्थ फोर्स 3, फेंक दे साले, आयरन है फोकट का, ले लेते हैं। गोल्डन हॉर्स आर्मर यही पे रखते हैं, बाद में लेके जाएंगे, या हमारी जगह अभी तक। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी मेरी माइनिंग है। खैर, माइनिंग में क्या दिखाना, वीडियो बहुत ही पहले से लंबी हो सकती है, इसलिए बाहर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, तो हाँ, सिर्फ स्पॉनर ही इस जगह की खास बात नहीं है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अब मेरे को खुशी होगी आपको ये चीज दिखाने में कि थोड़ा ही आगे जाने के बाद आपको ही पता चलेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। 3, 2, 1, ये देखो आप, यहाँ पे क्या है, विलेजर्स का आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट ही बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, आप माइनक्राफ्ट में कितने लकी हो सकते हैं, कितने, मेरे जितने तो लकी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को एक ही वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें मिले ना, आपके आंखों पे आपको विश्वास नहीं हो सकता। और इसी वर्ल्ड के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हमारी माइनक्राफ्ट की सीरीज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बुक मिली है, वो बुक हम इस डिब्बे में रख देते हैं, नहीं तो मेरे से गुम हो जाएगी कहाँ पर भी। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही कि मैं इस वीडियो में मेरा घर बनाने वाला हूँ, खुद का अंबानी का घर। घर बनाने के लिए मैं सबसे आपको चीजें दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या ला के रखा है। ये देखो, आप देख ही सकते हैं इतने, अरे ये नहीं यार सॉरी, ये देखो इतनी सारी लकड़ी मैंने दिन रात एक करके तोड़ी है। और हाँ, सिर्फ लकड़ी ही नहीं तोड़ी, ये देखो आप देख ही सकते हैं, आपके आंखों पे आपको विश्वास नहीं होगा, ये कोल कितने माइनिंग करी होगी, आप जाने दो अभी क्या ही बोलिए। तो दोस्तों, ज्यादा बकवास नहीं करते और अभी डायरेक्ट हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टोन्स कुछ, सो इस स्टोन से मैं बनाने वाला हूँ ये, क्योंकि ये बहुत ही खास लगता है। और इस स्टैक से मैं बनाने वाला हूँ ये वॉल, आपको बाद में पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, सो अभी हमारी लकड़ी ले ही लेते हैं हाथ, ये हमें चाहिए क्योंकि लकड़ी का काम है ना, सारे ले लिए मैंने। तो अभी हमारे स्पॉट पे चलते जहाँ पे हमें घर बनाने का है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो जल्दी से फटाफट से कर देना, क्योंकि आपका क्या जा रहा है लाइक और कमेंट करने में। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मेरे को लकड़ी चाहिए, तो सबसे पहले मैं मेरे मन का घर बनाने वाला हूँ, किसी का देख के नहीं बनाने वाला। इस बेड पे सोने का मजा ही कुछ अलग है, आप भी सो के देखना। तो एक नया दिन हो चुका है और हमारे घर के काम की शुरुआत करेंगे। और बीच में मैंने ऑड नंबर छोड़ा, क्योंकि ऑड नंबर होता है तो हमें सेंटर मिल जाता है ना, अच्छी बात है वो। ओह, माय वन स्टैक इज ऑलमोस्ट डेड,
अभी दूसरा स्टैक हमारा शुरू होगा। ये देखो मेरा घर बना नहीं कि आ गया यहाँ पे मेरे घर को तबाह करने। ओके तो दोस्तों ऐसा कुछ मेरे घर का स्ट्रक्चर होने वाला है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर अभी मैं कुछ ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ, एक ब्लॉक छोड़ के अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे मैं क्या करने वाला हूँ। और अभी इसको देखो ये मैंने ऐसे लगाया ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जैसे हम इसको एक्सेस करते ना ये बहुत ही शानदार लगता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लगा के रखा है। और ये ऑरेंज तो इससे भी अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ऐसा करा है। और इसके अंदर और भी थोड़े और इसके अंदर मैं और एक ब्लॉक छोड़ के एक दीवार लगाने वाला हूँ, वो तो बहुत ही ओपी लगने वाला है। ये देखो अभी से बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरा प्लान है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, आप देखते रहना। और यहाँ से होगी सीढ़ी और इधर भी नीचे की तरह तीन रूम होने वाले हैं, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे, रुको जरा सबर करो। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसके अंदर में लगाऊंगा कि ये ओक लॉक, सो चलिए स्टार्ट करते लगा रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे होगा हमारा दरवाजा जो कि बहुत ही ओपी लगने वाला है। तो दोस्तों ऐसे नीचे के साइड के मैंने सारी तरफ लकड़ी लगा दिए, अभी सिर्फ इसको एक बार छीलना है, वो भी मैं कर लूंगा। और इसको विंडोज लगाने, जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो बनाता हूँ। नहीं यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ी विंडो हो गई, एक मिनट, इतनी भी बड़ी नहीं चाहिए, एक ऊपर से लेयर कम कर लेते, ठीक है इतनी विंडो अच्छी। अभी वैसे इधर इधर के साइड पे भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे बीच बीच में गैप है ना, यहाँ पे हम फर्नेस लगाने वाले, वो बहुत ही ओपी लगता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखेंगे आप आगे। ओए ज़ॉम्बी विलेज आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये घर बहुत ही ओपी होने वाला है, मेरे ऐसे दो तीन एक्स खत्म हो चुके हैं भाई इनको छिलते छिलते, अभी कितने पिकैक्सेस और सॉरी एक्सेस लगने वाले हैं अभी मेरे को तो नहीं मालूम भाई, चल कर देखते ना एक बार कैसा बना है घर। ओहो बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये, अभी बनने के बाद तो और भी अच्छे लगने वाला है। एक मिनट यहाँ पे मैंने छीला नहीं अभी तक, छील लेंगे यहीं पर भी। अरे साइड को हट जाओ, मैं बहुत मारूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो मैं कब से घर बना रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब करने का नहीं। आई थिंक अभी फर्स्ट फ्लोर मेरा कंप्लीट हो रहा है और सिर्फ ये लगाने का है अभी। आ हा 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 कितना आनंद लग रहा है इस घर के अंदर आने के बाद, वाह वाह सुंदर। ये देखो बाहर से तो और भी अच्छा लगना चाहिए घर, मेरी मानो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया से वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। हाँ कर लेना, अभी सेकंड फ्लोर का काम है, अभी सेकंड फ्लोर हम करेंगे। वाह वाह सेकंड फ्लोर से नजारा था बहुत ही अच्छा आने वाला है, देखो यहाँ से पूरा विलेज दिखने वाला है हमें। अभी आप देखेंगे आप मैं क्या करने वाला हूँ, ये वॉल्स लगाने वाला हूँ सब तरफ और बीच में होने वाली विंडोज। ओहो सेकंड फ्लोर का भी काम हो चुका है, अभी सिर्फ बनाने का है थर्ड फ्लोर। हाँ भाई थर्ड फ्लोर भी बनाने का है, थर्ड फ्लोर आपको देखना ही पड़ेगा कैसा बनता है। अभी घर बना रहे तो ऐसा वैसा घर बना के क्या मिलेगा भाई, एकदम स्टैंडर्ड घर बनाएंगे हम, ओपी बहुत ही बड़ा घर बनाने वाले है। अभी सेकंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए हमें चाहिए लैडर, लैडर बनाने के लिए स्टिक्स बहुत ज्यादा चाहिए होती ना, ठीक है अभी स्टिक बना लेते हैं। सो ये रही लैडर, आई थिंक इतने से काम हो जाएगा, अरे इतने नहीं चाहिए थे, बहुत ज्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर हम बहुत ही ओपी स्टाइल करने वाले, अभी वो स्टाइल आपको मालूम होगी या फिर नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैं करने वाला हूँ। हमें चाहिए बहुत सी स्टेयर्स। ओए 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 मेरे लकड़ी गिर गई यहाँ से नीचे, बहुत ही नीचे भाई, मैं बहुत ही ऊपर आ चुका हूँ। अभी हमें क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई गलत लग गई, इसे तोड़ना पड़ेगा। हाँ राइट दिस इज राइट, ऐसे लग गई बढ़िया, ऐसे एक और फिर ऐसे एक, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे ऐसे एक, इधर से भी वैसा करना पड़ेगा, ठीक है दिस इज ये सेंटर है। और यहाँ पे हम लगेंगे ऑरेंज क्योंकि ऑरेंज इज वेरी गुड, और इन्हें ऐसे लगाते जाना है और इन्हें ऐसे एक्सटेंड करते जाना है। हमारा एक स्टैक ऐसे खत्म हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास बहुत पैसा है, हम फिर से बना लेंगे।
भाई साहब ये हाउस क्या ओपी लगने वाला है। मेरे माइनक्राफ्ट के अब तक के सबसे शानदार घर में से एक घर है ये। ऐसे हमारी एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी दूसरी भी करनी। अरे भाई उधर भी करना है, बहुत काम यार अभी तो आज तो। ऐसे हमें इस साइड भी करने का है, देखो भाई कितना दूर करने का है, बहुत स्टेयर्स लगने वाले, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये हमारे काम के अंदर बाधा डाल रहा है। अभी मैं यहाँ से लाल फूल तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे रेड डाई चाहिए और मेरे को रेड ग्लासेस बनाने हैं। आई थिंक इतने फूलों से मेरा काम हो जाएगा। अभी चलते उधर। आहा क्या लग रहा है मेरा घर, वाह मस्त। आहा क्या लग रहा है मेरा घर, एकदम सुंदर। अभी इसके अंदर सिर्फ ग्लासेस लगाने और फिर कुछ हमारे जरूरी के सामान लगाने का है, उसके बाद हमारा घर कम्प्लीट। बाहर से देखेंगे तो कुछ ऐसा लगता है। अभी इसमें दरवाजे भी हमें लगाने हैं तो उसके बाद और बहुत ही ओके लगने वाला है घर। अब बारी घर के अंदर सामान लाने की, उससे पहले हम चेस्ट बना लेते हैं। ये रहे इसे चेस्ट लगाएंगे हम, और यहाँ पे रहेंगे हमारे फर्नेस। ठीक है अभी मेरे को फर्नेस लाने मेरे, उससे पहले यहाँ पे हमें बेड लगाने पड़ेंगे, एक ही बेड लगाएंगे। ओके सुबह हो चुकी है, हमारा बेड ले लेते यहाँ से और फिर हमारे ये फर्नेस तोड़ लेते। क्या लग रहा है हमारा घर यहाँ से, वाओ मस्त। अभी दरवाजा भी लगाना है और यहाँ पे रहेंगे हमारे फर्नेस। ओके मस्त, ये अच्छा लग रहा है, ये सारे फर्नेस, ये सारे चेस्ट। यहाँ पे रहेगा हमारा क्या बोलते हैं उसको, एंचांटमेंट टेबल, या फिर यहाँ पे रहेगा जहाँ पे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे रखूंगा। आई थिंक यही पे रहेगा हमारा एंचांटमेंट टेबल, वो अगले 2-3 एपिसोड में आ जाएगा। और अभी ऊपर भी हम कुछ स्टोरेज रखेंगे, तो यहाँ पर है, यहाँ पे हमें चेस्ट लगाने पड़ेंगे। चलो यहाँ पे लगा ही देते अभी चेस्ट। इतने में मेरे चेस खत्म हो गए, कोई बात नहीं और चेस मैं वहां से लाऊंगा दोस्तों। और फिर जो भी छोटी मोटी कमी आए वो मैं इस घर के अंदर फिक्स कर दूंगा। और अभी दरवाजे लगाने पड़ेंगे, दरवाजे बनाने पड़ेंगे। ओके एक दरवाजा हमारा यहाँ पे गया और फिर एक दरवाजा हमारा यहाँ पे जाएगा। ओ भाई भाई मत आ, मैंने अभी घर बनाया और तू तोड़ देगा, मत आ इधर, इधर आ, इधर आ, अच्छे बच्चे की तरह इधर आ, तेरे को फूटना है ना, इधर आ। क्या लग रहा है घर यहाँ से, बहुत ही ओपी लग रहा है घर। अरे मैं ये इसके भाई ने यहाँ पे गड्ढा करा है और ये भी यहीं पे गड्ढा करेगा। क्या घर लग रहा है, वाओ मस्त एकदम बढ़िया। और इसी घर से हम सारे एपिसोड्स हमारे बनाएंगे, अभी आगे जितने भी आप देखेंगे उतनी इसी घर से बनाएंगे। और यार क्या बोले, कितना बढ़िया विलेज मुझे मिला है, इतना बढ़िया विलेज किसी को अभी तक मिला नहीं होगा। एक दरवाजा हमारा यहाँ पे गया, एक दरवाजा हमारा यहाँ पे जाएगा जो कि बेडरूम में खुलेगा, और यहाँ पे लगाना है हमें बेड। सो ये है हमारा एडवांस घर जो कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक मजेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।